Assalamualaikum, welcome back to the channel. कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हम सभी यहाँ पर ठीक हैं. ठंड है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, तो गर्म रहना ज़रूरी है. अच्छा, तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सबने लास्ट ब्लॉग को देखा और मेरी ड्रेस को, जो कि मैंने कहा था आप सबसे कि कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, तो सबने मुझे बताया कि थैंक यू सो मच. आप सबने ब्लॉग भी पसंद किया और ड्रेस भी पसंद किया, थैंक यू. बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर. तो आज हम ब्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं. क्या क्या करना है मुझे आज की ब्लॉग में, ये शुरुआत कर लेते हैं. चलें जी, ये ब्लॉग जो है एक दिन पहले की है. बेटी जो घर पे हैं, क्योंकि मैंने उनको आज स्कूल नहीं भेजा था, उनको थोड़ी सी कोल्ड हुई है, यहाँ पे सर्दी बहुत पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने नहीं भेजा था. और वो घर पे हैं, टीवी देख रही हैं. यहाँ टीवी में कुछ ऐड चल रहा है. उनके अगले दिन से पेपर्स शुरू होने वाले हैं, जो प्रिपरेटरी टाइप होते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले कुछ लेते हैं एग्ज़ाम्स, टेस्ट वगैरह. ये तो फिर 4 मंथ्स अटेंड की हैं स्कूल, और उतने में जितना सीखा है वही लिख के आएंगी. और मैं बच्ची को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज जितना भी उन्होंने सीखा है काफ़ी है. स्टोरीज चल रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए अच्छी स्टोरीज हैं, तो शी इज़ वॉचिंग. और यहाँ शुरू हो गया है मेरा मॉर्निंग रूटीन, घर के सारे काम, जिसमें मुझे साफ़ सफ़ाई करनी होती है. टेबल पे पेंसिल डस्ट इतनी पड़ी हुई है, बच्चों के भी पेपर्स चल रहे हैं. इनकी स्कूल अलग है, उनकी स्कूल अलग है, तो पेपर्स चल रहे हैं बच्चों के भी. आज सेकंड पेपर था बच्चों का, तो उसके लिए उन्होंने इतनी वो रहता है लिखना, प्रैक्टिस करना, ड्राॅइंग्स करना, उसमें इतना कुछ गंदा किया है. और यहाँ पर मैंने जो बेडशीट वगैरह होती हैं वो क्लीन की, पिलोज़ वगैरह की साफ़ सफ़ाई कर दी है. ये तो हर दिन का रूटीन है, हर दिन पेंसिल डस्ट को हर दिन क्लीन करो. टेबल के ऊपर ना काफ़ी सारा काला काला हो जाता है. उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे तैयारी की थी नाश्ते की, जिसमें जो मैंने बनाया था मटर एग के साथ मटर बनाए थे, बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा. जैसे हम अंडे का वो बनाते हैं हारस, उसी तरह से मटर डाल के हम बहुत मज़े का ये बना सकते हैं. और बच्चों को मटर भी खानी चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए. मटर के काफ़ी फ़ायदे हैं, और सर्दियों में तो काफ़ी अच्छे मटर आते हैं. जब मटर गल जाते हैं थोड़े, तो उसमें मैंने अंडे और मसाले डाल दिए थे. पहले मसाले डाल दिए, उसके बाद अंडे डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था. ये प्लेन पराठों के साथ, फुलकों के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, ज़रूर आप भी बना के खाएं. सुबह का वक्त जो है मटर के साथ, बच्चे मटर खाने के लिए बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा. नाश्ता हो गया था. यहाँ देखें, मैंने जो एक मुझे ना घर के ख़जाने से, मतलब पुरानी चीज़ों से, मुझे ये एक बेड लाइट मिला था, जो बहुत ही प्यारा है. लाइट बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी ना वो पिन ठीक नहीं है, तो पिन को मैंने लगा के उसे ठीक किया, तो कोशिश की, लेकिन वो पिन जो है वो एकदम लूज़ है, तो ठीक नहीं लग रहा था. और यहाँ पर जो है वो जो टेबल सेट्स होते हैं, उस पर मैंने सॉल्ट एंड पेपर की जो बॉटल्स थी वो खाली हो गई थी, तो मैंने उनको वॉश किया पहले, फिर ड्राई किया. अब उसके अंदर मैं सॉल्ट एंड पेपर फिल करके रख रही हूँ. अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना किचन में इतना सारा काम था मुझे, मैंने सारा क्लीन किया. आज मेरे हाथ से कितने सालों बाद एक चीज़ टूट भी गई. तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे हाथ से फिसल गया, मैंने सोप के हाथों से उसे लिया था, और मैंने मेरे हाथों से फिसल के गिर गया. मुझे डर था कि कहीं ये बॉटल्स भी ना गिर जाएं, तो मैंने इनको जैसे तैसे आराम से किया, और बहुत होशियारी से मैंने इनको रखा. अक्सर जब मैं कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आपकी किचन तो वॉमिट कर रही है, उसका पेट भर के हलक तक आ चुका है, अभी आप कुछ भी ना लें. तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें तो कुछ कुछ नया चाहिए होता है. और मैं जो है पुरानी चीज़ें जो किसी और के भी इस्तेमाल में आ सकती हैं, वो मैं डोनेट कर देती हूँ, और बाकी नया ले लेती हूँ, तो इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, राइट? और ये अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी होता है ना. अच्छा जी, जब तक बेटी बैठ के टीवी देख रही हैं, स्कूल तो गई नहीं है, हम चल के दोपहर का जो लंच है उसकी तैयारी कर लेते हैं. वो आराम से बैठ के टीवी देखें, चलें हम चलते हैं. तो यहाँ पे आज बन रही है जी मज़ेदार सी स्पाइसी सी टिक्का बिरयानी. ठंडी में सर्दी में बड़ी मज़े की लगती है. मैं तो टिक्के वैसे बनाते रहती हूँ बिरयानी के साथ, बट आज तो टिक्का बिरयानी ही बनाएंगे हम. तो यहाँ पे मैं सारे मसालों को ऐड करके मिक्स कर रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है. जो इसका रेसिपी लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, या फिर अगले वीडियो में दे दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं, जिनको चैनल का पता है वो देख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं मिक्सिंग कर रही हूँ
उसके बाद इसको हम जो है ना चिकन में ऐड कर देंगे और इसे ओवरनाइट मैरिनेट करने रख देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक और मुद्दा मुझे बात डिस्कस करना था, वो ये कि घर जो है ना काफ़ी छोटा हो गया है, हमें बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, बच्चों की चीज़ें जो है ना, पहले जब छोटे थे तो एक ही जगह में सारी चीज़ें हर किसी की रख देती थी, अभी माशाल्लाह बच्चे ग्रो अप कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और उनकी चीज़ों में उनके हर एक उनकी जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं उसमें इजाफा हो रहा है, तो उसको रखने में एकोमोडेट करने में बच्चों का अभी मन करता है कि वो खेलें कूदें घर में, अब वो टॉयज़ में खेलना पसंद ही नहीं करते, उनकी अभी अलग अलग चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मैं हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं हर चीज़ से कुछ कुछ सीख रही हूँ बच्चों से, तो मुझे मैं देखते रहती हूँ कि बच्चों में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो मुझे ना वो देख देख के खुशी होती है, और बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है एक माँ बहुत बेहतर समझती है, जो एक अब्बू को समझना चाहिए वो अब्बू भी समझते हैं, और माँ को बहुत समझ में आता है कि बच्चों को क्या क्या चाहिए और किस किस तरह की उनकी अभी नीड्स हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत होती है, तो मैं भी समझ रही हूँ। और हमारे लिए ना ये घर काफ़ी छोटा हो गया है, अल्लाह करे कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे 4 bedrooms हों और एक हॉल किचन डाइनिंग हॉल स्टोर रूम और काफ़ी सारा बड़ा सा बैकयार्ड हो जहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकूँ और सामने एक अच्छी सी बड़ी सी कार पार्किंग हो, तो इस तरह का एक ड्रीम है जो कि छोटी सी एक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला पूरी करे। बाकी मैं और ज़्यादा ख्वाहिशात की वो नहीं हूँ, इतनी सी ख्वाहिश है अल्लाह ताला पूरी ज़रूर कर दे, और वो ज़रूर YouTube से हो सकती है इंशाल्लाह, क्योंकि YouTube में तो काफ़ी माशाल्लाह, अल्लाह ताला YouTube को सलामत रखे, चांद तक रखे, सलामत रखे, एंड YouTube क्रिएटर्स का थैंक्स अदा करना चाहिए हमें कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है माशाल्लाह, कि इनक्रेडिबली ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शोकेज आर टैलेंट, हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अगर YouTube नहीं होता तो हम अपना टैलेंट कहाँ से दिखाते, कैसे हम इस तरह से अर्निंग करते, तो YouTube इज़ ग्रेट, अच्छा है माशाल्लाह। बाकी जो हलाल और हराम है, हमारी तो नियत है कि हम हलाल तरीके से कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला फ़ैसले करने वाले हैं, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो भी पैसा बिज़नेस तिजारतों में लगता है वो सारा बाहर घूम 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 के ही हमको मिलता है, तो हम कहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ से क्या आ रहा है, राइट, तो अल्लाह जाने, लेकिन हम तो यहाँ से जो कर रहे हैं वो हमारी मेहनत है, हमारी खूब सारी मेहनत है, मैं अपनी अपनी मेहनत करती हूँ, आप अपने मेहनत करते हैं, अपनी मेहनतों से हम अपने व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं, हम काफ़ी कुछ खर्च भी करते हैं, तो अल्लाह करे कि हमारी जल्दी जल्दी से ना ये मुरादें जो हैं छोटी छोटी सी वो पूरी हो जाएं। काफ़ी चीज़ें हमारी जो है वो दिल में हसरतें कर जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है वो बहुत कम चीज़ों की हसरत रखती हूँ, बाकी अल्लाह ताला देने वाला है, बेनियाज है, तो वो तो इज़्ज़ुमन तशा व तो ज़िल्लुमन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है, और जो रोज़ी रोटी है वो भी देने वाला अल्लाह है, तो अगर वो दे रहा है छप्पर फाड़ के तो हम खुशी खुशी ले भी सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें ये सोचना है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, ज़रूरतमंद की पहले हमें सोचनी है कि हम अगर एक रोटी खा रहे हैं तो जो हमारे नज़रों के सामने से गुजरा है वो खा भी रहा है या नहीं, हमें उसको देकर खाना चाहिए, जितना हम दे सकते हैं दे के खाना चाहिए, बस ये हम करें, और बस अल्लाह ताला ऐसी नियतों को रखने वालों को अल्लाह ताला खूब सारा नवाजे, बहुत नवाजे, मेरी यही दुआ है। अच्छा, साथ साथ जो है बिरयानी बन चुकी है मेरी बातों में, और यहाँ पे शीर खुरमा बन रहा है, बहुत दिनों से शीर खुरमा नहीं बनाया था तो सबको याद आ रहा था, तो मैंने शीर खुरमा बना लिया है और यहाँ पे तड़का भी लगा दिया, टिक्का बिरयानी तो देख लिया आपने, मज़ेदार सी बन चुकी है, और यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, खाने का टाइम हो चुका है, यहाँ देखें जी मज़ेदार सा शीर खुरमा तैयार है, अभी मीठा भी खाने लगेंगे सब, आज तो दो दो मीठे बन गए, सारे जैकेट्स हैं जिनको मुझे क्लीन करना है, कुछ वॉश किए हुए और कुछ को ड्राई क्लीन करना है, ये सारी जो है ना बेटी के जैकेट्स हैं, तो बस खूब ठंडी है तो सारे जैकेट्स बाहर आ जाते हैं, और सब पहन पहन के ये नहीं चाहिए वो चाहिए वो नहीं चाहिए ये चाहिए, सब कुछ पहन के इसी तरह से फैला पड़ा होता है, और मुझे जाके ना, और यहाँ पे ऐसा है ना कि जैसे बच्चे फरमाइश करते हैं वैसे जाके अब्बू भी, खास करके बेटी के लिए अब्बू दे देते हैं,
कपड़े भी एकोमोडेट करने नहीं हो रहा है, जगह नहीं मिल रही है मुझे, क्योंकि अब और एक कबर्ड खरीद के भी नहीं रख सकते क्योंकि जगह नहीं है घर पे, जगह इतनी तंगी हो गई है ना, कहीं भी जगह नहीं मिल रही। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि किचन में भी कुछ मत रखो यार, बहुत ज़्यादा आपकी किचन भर चुकी है, वॉमिट कर रही है, मुझे हंसी आती है, मैं क्या करूँ। तो क्योंकि मेरी हर चीज़ बाहर पड़ी हुई है, यहाँ पे वार्डरोब ज़्यादा नहीं है, ट्रॉलीज नहीं है, तो अब इसके ऊपर हम खर्च भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए जैसे चल रहा है वैसे। और यहाँ पे बना लिया था गर्मा गर्म सा टी केक, इसकी ऑलरेडी रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, बहुत आसान है, वेरी इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, आसानी से आप बना सकते हैं। मैंने गर्मा गर्म ही इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिया, छोटे छोटे पतले पतले नहीं किए, थोड़ा मोटे मोटे पीसेस किए, और मैंने इसे एक्स्ट्रा ऊपर से ना क्रिस्प किया है, अंदर से एकदम सॉफ्ट, क्योंकि टी केक है तो थोड़ा सा वो मज़ा आए जो हल्का सा ऊपर से वो आए, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का था ये, बहुत ईजी सा टी केक है, और बच्चों को तो चॉकलेट सिरप चाहिए। अच्छा जी, तो ये बच्चे खा लेंगे और हम अपना केक खा लेंगे, मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, दिन पहुँच चुका है अख्तिताम पर। इस वीडियो में मैंने कोई आवाज़ दूसरी कम नहीं की है, वॉल्यूम कम नहीं किया है, नॉइस वगैरह सब है, मैंने एडिटिंग में उन सब आवाज़ों को नहीं रिमूव किया है, तो ये नेचुरल सा वीडियो है। अच्छा जी, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।